ऊपर वाले कृपा से धान तो अच्छे हुए हैं, बस इसके भाव मिल जाए। मैं चलता हूँ घर। भाई मन नहीं लग रहा है, चलो घर चलते हैं। अबे घर चल के क्या करेंगे, वो गरीब आ रहा है उसकी आज मजे ले लेते हैं। अबे गरीब इधर को आजा। आया भैया। भाई तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, कोई काम है क्या? अच्छा तुम जैसे गरीबों से अपना काम कराऊंगा, तुम तो मैं पहले के गुरु के बराबर भी नहीं हो। भैया तुम मुझे गरीब क्यों बोल रहे हो, एक बार मुझे काम तो देके देखो, मैं तुम्हारा काम जरूर पूरा करूंगा। तू गरीब हमारी मदद क्या करेगा, तेरे पास कपड़े लेने के पैसे भी नहीं है और तू मेरी मदद करेगा? हाँ भाई तू सही कह रहा है, इन गरीबों के पास मदद करने के लिए कुछ भी होता नहीं है, फिर भी ये मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई किसी की हुलिया देख कर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मेरे भाई का IPS बनने का सपना है, इसीलिए मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ। तुम गरीब IPS बनोगे, तुम बस खेतों में खुरपे चलाने के लायक हो। तुम दोनों को बहुत हो गई ज्ञान फैलते फैलते, अगर हम गरीबों ने खेती बाड़ी करना बंद कर दिया ना तो तुम सब भूखे मर जाओगे। बहुत देर होगी इससे बातें करते करते, लगता है इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। घर चलते, ज्यादा मारेंगे तो मर जाएगा। चलो भाई पढ़ाई कर ली? अरे भाई तू उदास आज कैसे लग रहा है? भाई कुछ बात नहीं। भाई कुछ तो बात है जो तू मुझे नहीं बता रहा है। ये बात बता, अगर अपने अपने से छुपाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तू मुझे बात बता। भाई जब मैं खेत देख के आ रहा था तब दो लड़कों ने हमें गरीब समझकर हमारी मजाक उड़ाई। भाई वो लोग कुछ कहे तो तू मुझे आकर बताना, हम उनसे जाकर पूछेंगे वो हमारी गरीबी का क्यों मजाक उड़ाते हैं। ठीक है अब मैं खेत की ओर जाता हूँ, तुम पढ़ाई करो। अरे यार शुभम ये अपने साथ गरीब भी पार्क में टहलने आने लगा। साजन तू सही कह रहा है, चल इसको वहीं पार्क से बाहर निकालते हैं। ओए गरीब इधर को आजा। साजन ये गरीब हमारी बात नहीं सुन रहा है और चला जा रहा है। हाँ भाई तू सही कह रहा है, चलो चल के इसे सबक सिखाते हैं। चलो गरीब, ओ गरीब रुक इधर को, गरीब रुक। हम दोनों को पागल समझ रहा है, मैं तेरे से पीछे से तेरे घोरा रहा हूँ, तू सुन भी नहीं रहा है। हाँ भाई तू सही कह रहा है, इसको अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। साजन इसे यही नहीं मारेंगे, इसको घर ले जाकर मारेंगे और कमरे बंद करके मारेंगे, क्योंकि इसके भाई का सपना IPS बनने का है वो टूट जाए। हाँ शुभम तुम सही कह रहे हो, इसे घर पर ले जाके मारेंगे तभी इसकी औकात का पता चलेगा। तुम लोग मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। तुम पुलिस को फोन क्यों करोगे, मैं तुम्हें पुलिस के लायक छोड़ूंगा ही नहीं। चल साजन से उठा ले चलते हैं। भाई इसे यहीं पर मारते हैं। अबे इसे नहीं मारेंगे, इसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अब बता तू मेरी मिलानी करेगा? शुभम इसकी इतनी औकात, ये हमारे संग पार्क में घूमेगा, जिसे टपका देते हैं। देखो तुम लोग मुझे छोड़ दो वरना मेरा भाई आ गया तो तुम लोगों की खैर नहीं। क्या कर लेगा तेरा भाई, देखते हैं कितनी बड़ी तोप है, बुलाओ उसे। खुद तो मरेगा ही और तेरे फास फास तेरा भाई भी मरेगा। क्या कहा मेरा भाई मरेगा, अपने पीछे देख मेरा भाई आ गया। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। हम रुक जाओ, बहुत हो गई बकवास सुनते सुनते, आज तुम जेल जाओगे। तुम दोनों हो कौन, अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो अपने घर चले जाओ। ए तू कम बोल, हमारे साहब को जानता नहीं, यहाँ के IPS हैं। यहाँ से चुपचाप निकल लो,
अगर इज्जत चाहते हो तो। निकलेगा ये नहीं, निकलोगे अब तुम दोनों। तू सही कह रहा है भाई, इन लोगों को लेकर वहाँ चलते सबक सिखाएंगे। हाँ मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद मैं गरीबों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। लोगों को सबक मिल गया है, आज के बाद किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। चलो भाई चलते।